हेलो स्टूडेंट आवर टुडेस टॉपिक इज फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ़ लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नाउ रिव्यू देअर फंक्शन तो लास्ट पीरियड वी हैव टेकन इंफॉर्मेशन अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा नाओ वी हैव टू लर्न देयर फंक्शन तो उनके जो फंक्शन कौन से उनके कार्य कौन से है पार्लियामेंट के वो हमें पढ़ना है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ तो फर्स्ट जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो क्या है फार्मूलेशन ऑफ लॉ मीन्स का कायदा जो है उसकी निर्मिति क्रिएशन ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज़ टू फार्मुलेट न्यू लॉज इट मीन्स अचीव वेलफेयर ऑफ पीपल वेलफेयर ऑफ पीपल पीपल के कल्याण के लिए एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो संविधान का जो उद्दिष्ट है उसको फॉर इसके जरिए न्यू लॉ लॉ को फॉर्मुलेट किया जाता है इसके आधार पर एल्सो आउटडेटेड लॉ और रीअपील नेसेसरी चेंज आर मेड इन सम लॉ तो जो भी आउटडेटेड लॉ जो मिस मिसकॉल बाय जो लॉ है उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ हैज बिन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर द पार्लियामेंट फुलज दिस प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी इसके आधार पर पार्लियामेंट जो है उसकी प्राइमरी और इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वीकार करती है इस उसके जरिए ही वो फॉलो होता है कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल पे नियंत्रण द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ड्राप फॉम द पार्लियामेंट एंड पार्लामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दम तो जो मं इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर थे तो पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंट्रोल रखती है देयर आर मल्टीपल वे दो विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज मींस अलग अलग तरीके से पार्लियामेंट उनपे कंट्रोल रखने की कोशिश करती है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सी दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसग्रीड द पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर इट्स सुपरविजन में संसद को छोड़ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम ना करे इसके ऊपर पार्लियामेंट का ध्यान रहता है मीन्स विदाउट टेकन परमिशन ऑफ पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन मीन्स कौन सा भी ऐसा डिसीजन पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं ले सकते जो उनको पार्लियामेंट को बता रहे के ही डिसीजन लेने होते हैं तो ये कंट्रोल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ये पार्लियामेंट का होता है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मीनस संविधान दुरुस्ती द पार्लियामेंट डिसाइड वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल तो जो भी कुछ अमेंडमेंट्स मीन्स दुरुस्ती करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज़ कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट बिल तो ये जो बिल होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है अमेंडमेंट बिल द पार्लियामेंट डिस्कस वाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट तो पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दुरुस्ती करने अमेंडमेंट करना है तो क्या जरूरत है इसकी और क्यों ये डिसाइड किया इसके ऊपर चर्चा होती है द कॉन्स्टिट्यूशन मेस वेरियस वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एज फॉलो तो उसके कुछ प्रोसेस है देखो कौन सी प्रोसेस है फ्यू प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो जो भी अमेंडमेंट्स होती है उसके सिंपल मेजोरिटी मिलना चाहिए पार्लियामेंट में सिंपल इसकी मेजोरिटी मिलनी चाहिए देन सम प्रोविजन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड ऑफ द पार्लियामेंट कुछ जो प्रोविजन है उसमें स्पेशल मेजोरिटी भी टू थर्ड मीस लोगों की मान्यता उसको चाहिए। होनी चाहिए टू थर्ड पार्लियामेंट में उसकी मान्यता होनी चाहिए देन फ्यू अदर प्रोविजन आर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस कॉन्सेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट तो घटक राज्य जो है कॉन्स्टिट्यूंस उसकी भी मान्यता इस अमेंडमेंट्स इस संविधान दुरुस्ती को होनी चाहिए तो उनकी भी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए तो ये सब प्रोसेस है इसके आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स में संविधान दुरुस्ती की जाती है